कुंती पुत्र, प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव। तुम्हें दिव्यास्त्र प्राप्त हुए कुंती पुत्र? आपके और अन्य पूज्य देवताओं के आशीर्वाद से मुझे न केवल सारे शस्त्र प्राप्त हो चुके हैं बल्कि मैंने उनका प्रयोग भी सीख लिया है। अब मुझे पृथ्वी पर लौटने की आज्ञा दीजिए प्रभु। अभी तुम्हें गांधर्वास्त्र कहां प्राप्त हुआ है कुंती पुत्र? गांधर्वास्त्र? हाँ, चित्रसेन गंधर्व से गांधर्व वेद की शिक्षा पाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रभु, मैं यहां अंतिम युद्ध के लिए दिव्यास्त्र प्राप्त करने आया था, और फिर संगीत और नृत्य से एक योद्धा का क्या? कला तो दिव्यास्त्रों में सबसे सबल अस्त्र है कुंती पुत्र। यदि ऐसा है भगवान, तो अंतिम युद्ध के उपरांत यह अस्त्र भी प्राप्त कर लूंगा। युद्ध के उपरांत अस्त्र क्या करोगे कुंती पुत्र? और ये मत भूलो कि तुम्हें एक वर्ष अज्ञातवास में बिताना है। भला तुम्हारा यह रूप छिप सकता है? सूर्य और चंद्रमा, धरती और आकाश, पृथ्वी और जल की तरह तुम्हारे लिए अज्ञातवास असंभव है। इसलिए चित्रसेन गंधर्व को प्रणाम करो और अपनी शिक्षा आरंभ करो। जो आज्ञा भगवान। प्रणाम गुरुदेव। थे थे तत आ थे तत ता 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 थे तत आ। धाकट तक धुमकिट तक धिन नडान तक धेकेट घेगे तडान। धाकट तक धुमकिट तक धा धाकट तक धुमकिट तक धा धाकट तक धुमकिट तक धाकट तक धुमकिट तक धा धाकट तक धुमकिट तक धा धाकट तक धुमकिट तक धाकट तक धुमकिट तक धा धाकट तक धुमकिट तक धा धाकट तक धुमकिट तक धा। धान धान धा तक 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 धान धान धा तक 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 धान धा धान धा। थेत थे थे तत तत ता थेत थे थे तत तत ता तक 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 उर्वशी। प्रभुवर। कोई समस्या उर्वशी? मन भटक रहा है प्रभुवर।
अप्सराओं का मन भटकना तो इंद्रलोक के लिए शुभ समाचार नहीं है। तुम तो मन को भटकाने के लिए हो उर्वशी, अपने मन की भटकन का कोई उपाय करो उर्वशी, उपचार सोचो। क्या उपचार सोचूं प्रभु? मन का कहा मान कर देखो। तुम तो प्रवीण हो गए, चित्रसेन को भी निचोड़ लिया तुमने। नहीं नहीं देवी, कोई शिष्य अपने गुरु को निचोड़ नहीं सकता। वो तो केवल इतना करता है, झोली पसारे अपने गुरु के आगे खड़ा रहता है। देने वाला तो गुरु है, परंतु यदि आप मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हुई तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे कारण मेरे गुरु को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यदि तुम अप्सरा रहे होते तो इंद्रलोक की मेनकाओं और उर्वशियों के दिए बुझ गए होते। योद्धा की भुजा में नृत्य का लोच, तुमने तो असंभव को संभव कर दिया। असंभव तो कुछ होता ही नहीं देवी। मेरा नाम उर्वशी है, तुम मुझे देवी क्यों कह रहे हो? मेरा नाम लो। ये संभव नहीं देवी। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि असंभव तो कुछ होता ही नहीं। मर्यादित पुरुषों के लिए मर्यादा का उल्लंघन अवश्य असंभव होता है देवी। कभी मन भटका है तुम्हारा? मन तो भटकने के लिए ही होता है। हम इंद्रलोक वालों को इसका अनुभव नहीं। मन की भटकन का उपचार क्या है कुंती पुत्र अर्जुन? भटकने का तो अर्थ यह है कि मन की दशा ठीक नहीं, दशा को ठीक करना ही उसका उपचार है। यदि मन कुछ पाने के लिए व्याकुल हो तो इसे मन का भटकना नहीं कहते। यदि मन कुछ पाना चाहता है तब तो एक लक्ष्य की नियुक्ति हो गई, और लक्ष्य तक पहुंचना ही जीवन का मूल्य है। वही तो जीवन को एक नई दिशा, एक अर्थ देता है। अर्थात अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए ना? अवश्य। देवी, तुम मेरा लक्ष्य हो अर्जुन, और मैं तुम्हें पाने का प्रयत्न कर रही हूँ। नहीं, ये संभव नहीं देवी। कभी तो तुम ये कहते हो कि असंभव तो कुछ होता ही नहीं, और कभी ये कहते हो कि ये संभव नहीं वो संभव नहीं। क्या मैं सुंदर नहीं? सुंदर? आपका सौंदर्य तो वो सौंदर्य है जो ऋषियों की तपस्या भंग करते हैं। तो फिर ये तुम्हें क्यों नहीं आकर्षित करता? क्योंकि मैं ऋषि नहीं। वाद विवाद में समय नष्ट ना कर अर्जुन, मेरी बाहों में समा जा। माता की बाहों में समाना तो एक पुत्र के लिए सौभाग्य का अवसर है। माता? तुमने मुझे माता कहा? माता को यदि माता ना कहूं तो और क्या कहूं? याद कीजिए, मेरे पूर्वज महाराज पुरुरवा आपके सौंदर्य पर मोहित हुए थे, और आप भी उनकी पत्नी बनकर उनके साथ रही थी। इसलिए मैं तो आप में केवल माता कुंती और माता माद्री का ही रूप देख सकता हूं।
अप्सराएं ना किसी की पत्नी होती है और ना किसी की माता, वे केवल सौंदर्य की प्रतिमाएं होती हैं। इस सौंदर्य की प्रतिमा को स्वीकार कर। माता के रूप में तो स्वीकार कर लिया देवी, माता और पुत्र के बीच में तो और कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके लिए केवल एक पुत्र हो सकता हूं, पुरुष नहीं। पुत्र सदैव, पुरुष कभी नहीं देवी, कभी नहीं। तो फिर मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम सदैव पुत्र ही बने रहो, पुरुष कभी नहीं। आज से एक नपुंसक का जीवन व्यतीत करो। देवी। भड़क उठी जब वासना, दिया क्रोध में शाप, रोक न पाई उर्वशी वेग काम